आज हम आपके साथ गणेश चतुर्थी स्पेशल चार ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे जो गणेश उत्सव में बनाया जाता है। ये सारी रेसिपी के बिना फेस्टिवल अधूरा है। इस उत्सव में कई सारी मिठाई बनाई जाती है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वैसे तो मोदक महाराष्ट्रियन डिश है, लेकिन आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना के खा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। एक पैन ले लिया है हमने, इसमें डालेंगे 2 कप पानी। फ्लेम को हमने हाई रखा है, अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार। 2 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे। पानी में जैसे ही उबाल आ जाए इसमें 2 कप चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा बहुत बारीक है, ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। पानी और आटे को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको ढक करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद आटे को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। जैसे ही हल्का सा ठंडा हो जाए इसका एक डो बना के तैयार करेंगे। चावल के आटे को हमने घर पे बना के तैयार किया है। अगर आपको इसका रेसिपी देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे। पानी को हमने उबाल लिया था, उसके बाद ठंडा करने के बाद इसको इस्तेमाल करना है। इसका सॉफ्ट डो बनाना है, इसीलिए आपको 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच पानी डाल के इसको गूंथना है। पहले 2 कप पानी में हमने इसको डाला था, उसके बाद 1/4 कप पानी डाल के हमने इसको अच्छी तरह से गूंथ लिया है। यह सॉफ्ट डो बन के तैयार हो गया है। अब एक टावल से हम इसको अच्छी तरह से ढक करके रख देंगे। ये भींगा टावल है। 10 मिनट के लिए आटे को छोड़ देते हैं रेस्ट करने के लिए। पैन को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है, अब इसमें डालेंगे 3 चम्मच घी। घी जैसे ही गर्म हो जाए इसमें डालेंगे 1/2 कप सूजी। सूजी को चलाते हुए फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। 4 से 5 मिनट सूजी को हमने मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब इसको निकाल लेते हैं। उसी पैन में हमने 2 चम्मच घी डाला है, अब इसमें फ्रेश नारियल डाल देंगे। ये ग्रेट किया हुआ नारियल है, घर पे हमने इसको ग्रेट किया है। 2.5 कप हमने नारियल डाला है इसमें। 2 नारियल को अगर ग्रेट करेंगे तो 2.5 कप निकलता है। आप चाहें तो इस रेसिपी को 1 नारियल से भी बना के तैयार कर सकते हैं। बाकी सारे मेजरमेंट आपको 1/2 कर लेना है। 4 से 5 मिनट हमने नारियल को फ्राई कर लिया है, अब इसमें सूजी डाल देंगे जिसको हमने फ्राई करके रखा था। अब डालेंगे इसमें 1 कप चीनी। जिस कप से हमने नारियल मेजरमेंट किया था उसी कप से हमने 1 कप चीनी डाला है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और डालेंगे 1 कप दूध। दूध हमने मलाई के साथ में ही डाल दिया है। अगर आपके पास मलाई है दूध का तो आप इसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम में हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये सूख ना जाए। अब इसमें 2 चम्मच कटा हुआ बादाम और 2 चम्मच हम किशमिश डाल के मिक्स कर देंगे इसको। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपको खाने में पसंद है। 7 से 8 मिनट हमने इसको पका लिया है और ये सूख चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं। इसको ठंडा करने के बाद ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब एक नींबू के साइज का आटा लेंगे और इसे गोल बना लेंगे। अब हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, उंगली में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसको कटोरी के जैसा बना लेंगे।
पानी से इसको अगर बनाएंगे तो ये बहुत ही चिकना बन करके तैयार हो जाता है और किनार से फटता भी नहीं है। अब उंगली की सहायता से हम मोदक का डिज़ाइन बना के तैयार करेंगे। हमने मोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, हाथों से ही इसे बना के तैयार किया है। आप चाहे तो इसे मोल्ड में भी बना के तैयार कर सकते हैं, इसे भी ये बनाना बहुत आसान है। स्टफिंग डाल देंगे 1 से 2 चम्मच, जितना ज़रूरत है इसमें, और हल्के हल्के इसको प्रेस करके इसका ऊपर साइज इसको दबा देंगे ताकि ये खुले नहीं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी तरह से हम सारे मोदक बना के तैयार कर लेंगे। मोदक हमने बना के तैयार कर लिया है, अब इसे स्टीम करेंगे। अगर आपके पास मोदक बनाने की स्टीमर नहीं है तो किसी भी छलनी में आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब एक एक करके सारे मोदक इसमें डाल देंगे। एक बार में जितना आ जाए उतना आपको बनाना है। हमने एक बार में 10 मोदक को बनाया है। पानी को हमने बॉईल होने के लिए रख दिया था, अब इसमें मोदक को स्टीम करेंगे। 10 से 12 मिनट के लिए इसको ढक करके पकाएंगे। 12 मिनट के बाद मोदक बन करके तैयार हो गया है। फिल्म को बंद कर देते हैं और इसको यहाँ से हटा लेते हैं। ठंडा करने के बाद इसको प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हमने मोदक को प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए बहुत अच्छा मोदक बन करके एकदम तैयार हो गया है। अब ऊपर से इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे। मोदक का स्टफिंग बनाने के लिए हमने चीनी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक मोदक को तोड़ के आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा बना है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं खाने में। बहुत ही कम घी और तेल से ये रेसिपी बन करके तैयार होती है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ मोदक की रेसिपी शेयर करेंगे। इस मोदक को हमने नए तरीके से बनाया है और साथ में इसका नाम भी दिया है, फ्लावर मोदक। इस मोदक की रेसिपी आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। ये देखने में जितना सुंदर है खाने में उतना ही स्वादिष्ट। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। एक कटोरी में हमने आधा कप बासमती राइस लिया है, इसे 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से। दो से तीन बार चावल को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। 2 से 3 पिंच हमने इसमें केसर येलो फूड कलर डाला है। अब 2 घंटे के लिए चावल को ढक करके रख देंगे ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। 2 घंटे बाद चावल को हम एक छलनी में छान लेंगे। पैन को हमने हल्का सा गरम कर लिया है, अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। अब डालेंगे 1 कप नारियल। ये फ्रेश नारियल है, घर पे हमने इसको ग्रेट किया था। 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम में नारियल को हम फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट नारियल को अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिया है, अब इसमें डालेंगे आधा कप गुड़। फ्लेम को लो कर देंगे और इसको तब तक चलाएंगे जब तक गुड़ मेल्ट ना हो जाए। गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, अब इसमें डालेंगे 1/3 चम्मच इलायची पाउडर और 2 से 3 चम्मच कटा हुआ बादाम और किशमिश।
फिल्म को अभी बंद कर देंगे और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला देंगे। अब एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे। प्लेट में हमने इसको निकाल लिया है, अब इसको साइड में रख देते हैं। एक पैन ले लिया है हमने, इसमें डालेंगे 2 कप पानी। फ्लेम को हमने हाई रखा है, अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार। 2 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे। पानी में जैसे ही उबाल आ जाए इसमें 2 कप चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा बहुत बारीक है, ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। पानी और आटे को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको ढक करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद आटे को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। जैसे ही हल्का सा ठंडा हो जाए इसका एक डो बना के तैयार करेंगे। चावल के आटे को हमने घर पे बना के तैयार किया है। अगर आपको इसका रेसिपी देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे। पानी को हमने उबाल लिया था, उसके बाद ठंडा करने के बाद इसको इस्तेमाल करना है। इसका सॉफ्ट डो बनाना है, इसीलिए आपको 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच पानी डाल के इसको गूंथना है। पहले 2 कप पानी में हमने इसको डाला था, उसके बाद 1/4 कप पानी डाल के हमने इसको अच्छी तरह से गूंथ लिया है। यह सॉफ्ट डो बन के तैयार हो गया है। अब एक टावल से हम इसको अच्छी तरह से ढक करके रख देंगे। ये भींगा टावल है। 10 मिनट के लिए आटे को छोड़ देते हैं रेस्ट करने के लिए। 10 मिनट हो चुकी है, आटे भी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मोदक बना लेते हैं। बासमती चावल को हमने छान के रखा था, उसको प्लेट में निकाल लिया है। स्टफिंग तैयार है और यहाँ 1 कटोरी में हमने पानी ले लिया है। हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और हाथ को चिकना कर लेंगे। नींबू का साइज 1 आटा लेंगे और इसका एक गोल बना लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच स्टफिंग डाल देंगे। अब मोदक के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है ताकि ये चावल बहुत अच्छे से इसमें चिपक जाए। इसी तरह से सारे मोदक हम बना के तैयार कर लेंगे। सारे मोदक को हमने बना लिया है, अब इसको स्टीम करेंगे। एक बर्तन में हमने 2 कप पानी डाल के इसको गर्म होने के लिए रख दिया था, अब इसमें हम मोदक को स्टीम करेंगे। अगर मोदक बनाने की स्टीमर नहीं है तो आप किसी भी छलनी में इसको बना सकते हैं। छलनी में हम घी या तेल लगा के इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब एक एक करके सारे मोदक इसमें डाल देंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब 10 से 12 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। पानी में जैसे ही उबाल आ जाए फ्लेम को मीडियम कर देना है। 12 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे।
जैसे ही ठंडे हो जाए इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसको फूड कलर से डेकोरेट कर लेते हैं। रेड फूड कलर का हमने इस्तेमाल किया है। आपके पास जो भी फूड कलर है आप उसी से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। टूथ पिक से हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं। अगर आपके पास टूथ पिक नहीं है तो आप किसी भी चीज़ से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो है ना एकदम फ्लावर वाला लुक। अब इसको काट के दिखाते हैं। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो आपको ये कौन सी फ्लावर लग रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हूँ।